दोस्तों, क्या आपको पता है कि केन्या में एक लास्ट खाली व्हाइट जिराफ बचा हुआ है। इनकी पॉपुलेशन इतनी डिक्लाइन हो चुकी है कि लास्ट ही बचा है अभी। जबकि आपने इनका कलर जनरली कैसे देखा होगा, व्हाइट और ब्राउन मिक्स्ड होते हैं, लेकिन ये एक व्हाइट जिराफ है और ये पूरे प्लेनेट पे, इस पूरे अर्थ पे ये खाली लास्ट ही बचा है और ये केन्या में है। मतलब सुन के कितना बुरा लगता है, इसका कोई पार्टनर भी नहीं है और ये अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ा नहीं सकता, यानी एक दिन ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस शिप को देखो, इसको कहते हैं क्रूज शिप, एंड इस शिप को देखो, ये है टाइटैनिक शिप। और जब इन दोनों का मैं साइज कंपैरिजन करना ही है तो इन दोनों को साथ में लाते हैं, तो आप देखेंगे तो क्रूज शिप का तो 1/4 भी नहीं लग रहा टाइटैनिक। तो हम लोग कह सकते हैं कि टाइटैनिक तो अब कुछ नहीं है, उससे बड़े बड़े शिप आ चुके हैं, लेकिन टाइटैनिक अपने जमाने का अभी भी सबसे बड़ा जहाज है। समझ रहे हो दोस्तों, जो गॉडज़िला जो फिल्म निकली थी ना 2014 में, वो 2 घंटे 3 मिनट की पूरी फिल्म थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसमें खाली 8 मिनट तक ही गॉडज़िला दिखाया गया था। मतलब जो मेन चीज है वो खाली 8 मिनट के लिए दिखाई गई। आप लोग देखते हो कि मान लो किसी फिल्म का कुछ भी नाम हो तो उस रिलेटेड बातें हमेशा चलती रहती है उस फिल्म में, एंड हमेशा उसी बात को लाने की कोशिश करते हैं फिल्म वाले। गॉडज़िला फिल्म में खाली 8 मिनट तक की मेन कैरेक्टर का, मतलब अपना खुद का एक्शन आया उस गॉडज़िला का, खाली 8 मिनट तक का। म्यूजिक तो ये देखो, ये है एडिनबर्ग, ये कैपिटल स्कॉटलैंड का, और यहाँ का सबसे पहला एरियल शूट आपको पता है, एरियल फोटो यानी जहाज से ली गई फोटो, यहाँ पे सबसे पहली 1920s में ली गई थी। मतलब हवा यानी प्लेन से ली गई सबसे पहली फोटो थी स्कॉटलैंड में, और एडिनबर्ग इसका कैपिटल है। दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है, आप 5 सेकंड सोचो फिर बताओ। सोच लिया, आप लोग का ध्यान गया होगा, ये तो दोनों बर्ड्स दिख रहे हैं हमको, लेकिन आप बिल्कुल गलत हो यार। ये एक फ्लावर्स है, इनका नाम होता है यूलान मैंग्लोडियास, जो भी आप पढ़ सकते हैं। तो यार, आप लोग सोच ही सकते हो कि नेचर ने इतना मस्त इल्यूजन बना के रखा है, आपको लग रहा है ये बर्ड्स हैं लेकिन ये असल में एक फ्लावर है। यार, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, नहीं करोगे तो वरना मैं रो दूंगा। चल झूठा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1971 को इस डेट को साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा था और उसमें नेचुरल गैस को बर्न किया था। सोचा था कि ये कुछ दिन जलेगा और बंद हो जाएगा, लेकिन आज तक 49 इयर्स हो चुके हैं लेकिन अभी तक ये जलते ही आ रहा है, अभी तक बुझा ही नहीं है नेचुरल गैस। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि साइंटिस्ट ने इसको इसका नाम क्या दिया गया होगा? डोर टू हेल। आप लोग देख ही सकते हैं यार, इतना आग बबूल रहा है और लावा की तरह लग रहा है एकदम। सो दिस वॉज डोर टू हेल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो एडिडास जो ब्रांड है ना, इसके क्रिएटर थे एडोल्फ डेसलर, और ये जो पूमा है ना, उसके क्रिएटर थे रुडोल्फ डेसलर। तो नाम सुनने के बाद आपको इनके नामों में एकदम सिमिलैरिटी लग रही होगी। ऐसा इसलिए बिकॉज ये दोनों भाई थे, सगे भाई थे। तो मतलब कितना मस्त कोइंसिडेंस है कि इन दोनों सफल कंपनी, सफल ब्रांड्स को बनाने वाले दोनों भाई थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विराट कोहली एक ऐसे पहले इंडियन एथलीट हैं जिनके पास खुद का प्राइवेट जेट है। मतलब इंडिया में जितने भी एथलीट हैं उनके पास प्राइवेट जेट है ही नहीं। विदेश की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है। तो इंडिया में पहला क्या बोल रहा है, यही तो है, प्राइवेट जेट विराट कोहली के पास ही है। दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको जो ये फोटो दिख रहा है उसमें आपको क्या दिख रहा है, आप लोग बोलेंगे भाई तू कॉन्क्रीट दिखा रहा है, लेकिन नहीं, ये न्यू दिल्ली का फोटो है यार, ये एरियल शूट में लिया गया, यानी एक प्लेन से लिया गया फोटो है। और यार, ये चीज मेरे से बढ़िया कौन जानता होगा, मैं खुद न्यू दिल्ली में रहता हूँ और ये सब चीज अच्छे खासा महसूस करके रहता हूँ। आप बालकनी अपना खोलोगे, कब दूसरे का शुरू हो जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो की सबसे मेन फैक्ट के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे पहली यूट्यूब वीडियो कब आई? आपने इस वीडियो को मैक्सिमम बार देख भी लिया होगा। इस वीडियो का टाइटल है मी एट जू, और ये अप्रैल 23, 2005 में निकली थी बाय जावेद करीम। तो अगर आप यूट्यूब 1-2 साल से चला भी रहोगे तो आपने इस वीडियो को जरूर देख लिया होगा, वरना देख लेना, आप सर्च मारोगे यही पहला वीडियो आ जाएगा आपके। हाँ, तो बस आज के वीडियो में कुछ इतनी फैक्ट्स है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं करना तो बाद में जाओ।